नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने शुष्क मरुस्थल के बारे में देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो शुष्क मरुस्थल और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं, ये दोनों पश्चिमी मरुस्थल के भाग हैं। हमने शुष्क मरुस्थल देखा था, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है वो शुष्क मरुस्थल है। अगर अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर से जो 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। या फिर हम देख सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में। अर्ध शुष्क मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? शुष्क मरुस्थल के पूर्व में और अर्ध शुष्क मरुस्थल के पश्चिम में। तो इन दोनों के बीच, शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य में स्थित जो भौतिक प्रदेश है वह भी अर्ध शुष्क मरुस्थल ही कहलाएगा। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या हुआ? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य स्थित जो भौतिक प्रदेश है वह भी शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अगर बात की जाए कि शुष्क मरुस्थल और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उन दोनों को अलग है वो कौन सी रेखा करती है? तो जो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के प्रकार की बात करें तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको भी 4 भागों में बांटा हुआ है। वो कौन कौन से हैं? पहला है लूणी बेसिन, इसको लूणी जवाई बेसिन भी बोलते हैं या फिर इसको गोडवाड़ बेसिन भी बोलते हैं, आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। दूसरा है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा है शेखावाटी अंतः प्रवाह और चौथा है घग्गर बेसिन या फिर घग्गर का मैदान। ये जो 4 भाग हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के, इनको सम्मिलित रूप से बांगड़ या फिर बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग हैं उनको सम्मिलित रूप से बांगड़ या फिर बांगर प्रदेश कहते हैं। तो आपसे बांगड़ या बांगर प्रदेश क्या है ये पूछा जा सकता है। अभी हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो 4 भाग हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के। वो अगर इसको मैप में देखा जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये वाला जो भाग है, लगभग ये वाला है शुष्क मरुस्थल, ये वाला शुष्क मरुस्थल था और ये वाला जो पोर्शन बचता है, क्योंकि ये पूरा वाला भाग है ये क्या था? पश्चिमी मरुस्थल था। उसके बाद ये वाला हिस्सा अरावली है, ये पूर्वी मैदान था और ये हाड़ोती वाला भाग है। तो ये हमारा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये है, ये यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में शुष्क मरुस्थल हो गया और 25 से ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो समवर्षा रेखाएं हैं इनको हम जब जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। अब अगर इसमें अलग अलग बात करें तो सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर के 2 जिलों में ये आता है घग्गर बेसिन, ये हो गया घग्गर बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़। उसके बाद आता है शेखावाटी अंतः प्रवाह, तो ये वाला हो गया शेखावाटी, एक नंबर पे घग्गर बेसिन हो गया, 2 नंबर पे शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, ये हो गया शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि 3 नंबर पे, ये हो गया नागौरी उच्च भूमि। और जो लास्ट 4th पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल का वो है लूणी बेसिन, ये क्या हो गया? लूणी बेसिन। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। ये हमने मैप में देख लिया कि जो ऊपर के 2 जिले हैं गंगानगर व हनुमानगढ़, यहाँ पे ये हो गया घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतः प्रवाह, जो शेखावाटी वाला भाग है। कौन कौन से जिले आते हैं शेखावाटी में? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 जिले शेखावाटी में आते हैं। तो दूसरा हो गया शेखावाटी अंतः प्रवाह, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि। नाम से ही पता चल रहा है इसमें मुख्यतः नागौर जिला है और थोड़ा सा अजमेर जिला भी इसमें शामिल किया जाता है। और चौथा है लूणी बेसिन। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लूणी नदी का प्रवाह है, यहाँ पे बेसिन का मतलब हुआ लूणी नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो वाला। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे लूणी नदी के आसपास वाला क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि में
नागौर के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, शेखावाटी अंतः प्रवाह में शेखावाटी वाले तीन जिले आ गए, और जो घग्गर बेसिन है उसमें जहाँ पे घग्गर नदी का प्रवाह है, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, तो ये वाला देखेंगे हम। पहला देखते हैं, पहला भाग देखते हैं लूणी जवाई बेसिन, इसको लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको गोडवाड़ बेसिन भी बोलते हैं। बेसिन का मतलब हमने देखा था कि नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो बेसिन कहलाता है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले शामिल हैं? पाली जिला, जोधपुर जिला, बाड़मेर जिला, जालौर जिला और सिरोही जिला। अभी हमने मैप में देखा था जो लूणी बेसिन वाला था क्षेत्र था उसको हमने मैप में देखा था, उसमें कौन कौन से जिले शामिल थे? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिले। यहाँ पे बाड़मेर जिले के अंदर कुछ लवणीय पादप पाए जाते हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लवणीय पादप हैं वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो लूणी बेसिन वाला भाग है उसमें पाए जाते हैं, तथा अगर जिले की बात की जाए तो वो पाए जाते हैं बाड़मेर जिले में, और यहाँ पे जालौर जिले के अंदर नेहड़ रन पाया जाता है। रन क्या होता है इसको हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जालौर जिले में नेहड़ रन पाए जाते हैं लूणी जवाई बेसिन के अंदर, और बाड़मेर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं। यहाँ पे एक काला भूरा डूंगर स्थित है, ये कहाँ है? लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी है जिसे क्या बोला जाता है कि काला भूरा डूंगर बोला जाता है, उस पहाड़ी का ये नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि काला भूरा डूंगर कहाँ है, तो लूणी बेसिन के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी है जिसे कि काला भूरा डूंगर कहा जाता है। दूसरा हमारा आता है नागौरी उच्च भूमि, अर्ध शुष्क मरुस्थल का दूसरा भाग है नागौरी उच्च भूमि, जो कि मुख्यतः नागौर में है। यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं इस क्षेत्र के अंदर, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? नागौर में पाई जाती हैं। यहाँ पे बांका या कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा फ्लोराइड वाला क्षेत्र है। ये कहाँ पे है? मुख्यतः नागौर में और थोड़ा सा अजमेर में भी ये वाला भाग है। अगर हमसे पूछा जाए कि बांका या कुब्बड़ पट्टी क्या है, तो नागौर में जो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बांका या कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, जो कि मुख्यतः नागौर में है और थोड़ा ये वाला भाग अजमेर में भी स्थित है। तो तीसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो तीसरा भाग है वो है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी में हमने देखे थे तीन जिले शामिल हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये तीन जिले हैं जो कि शेखावाटी में शामिल हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? यहाँ पे जोहड़ या फिर जिनको नाड़ा बोला जाता है, ये क्या है? शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ बोला जाता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जोहड़ क्या है, तो शेखावाटी में पानी के जो कच्चे कुएं स्थित हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जोहड़ या फिर नाड़ा, दोनों नाम आ सकते हैं एग्जाम में। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र में सर या सरोवर स्थित हैं, किन्हें बोला जाता है सर या सरोवर? मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब होते हैं उनको सर बोला जाता है, या फिर इनको हम सरोवर भी बोल सकते हैं। ये केवल मानसून के दौरान बनते हैं, जैसे कि हमने देखा था बरखान और जो बालुका स्तूप देखा था लास्ट क्लास में हमने, तो बालुका स्तूप में क्या है, एक जगह धसी हुई होती है, एक जगह ऊपर उठी हुई होती है। तो जो धसी हुई जगह होती है यहाँ पे क्या है, मानसून के दौरान यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये एक तालाब जैसा बन जाता है। तो मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब हैं उनको शेखावाटी क्षेत्र में सर या फिर सरोवर बोला जाता है, और शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ बोला जाता है। तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जोहड़ क्या है, तो शेखावाटी में पानी के जो कच्चे कुएं हैं वो जोहड़ कहलाते हैं, और शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब हैं वो सर या फिर सरोवर कहलाते हैं। अगर बीड़ की बात की जाए कि बीड़ क्या है, शेखावाटी में जो चारागाह भूमि होती है, ये पूरी हम शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शेखावाटी में जो चारागाह भूमि होती है वो क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। अगर तोरावाटी की बात की जाए कि तोरावाटी क्या है, तो शेखावाटी में एक नदी बहती है कांतली नदी, कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पे है? झुंझुनू व सीकर में। चूरू में कोई नदी नहीं बहती, ये नदी मुख्यतः सीकर और झुंझुनू में बहती है। तो जो कांतली नदी का अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र है, यानी जहाँ जहाँ पे कांतली नदी का प्रवाह होता है, तो वो वाला क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी क्षेत्र। आगे हम देखते हैं कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो तीसरा भाग है वो था घग्गर का मैदान। यहाँ पे घग्गर नदी का प्रवाह होता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? घग्गर का मैदान बोलते हैं। यहाँ पे एक
विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कैसी होती है? चिकनी और उपजाऊ मिट्टी होती है। इसे इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? काठी या फिर बग्गी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काठी या बग्गी क्या है। तो घग्गर के मैदान में एक विशेष प्रकार की उपजाऊ और चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? काठी या फिर बग्गी। या तो आपसे काठी पूछ सकता है या फिर बग्गी पूछ सकता है। तो दोनों ध्यान रखने हैं कि घग्गर मैदान में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कि चिकनी व उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे काठी या फिर बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी का जो विस्तार है वो मुख्यतः कहाँ पे है? मुख्यतः हनुमानगढ़ में है, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आती है तब ये गंगानगर तक आती है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो शिवालिक से इसका उद्गम होता है, कहाँ तक है? हनुमानगढ़ तक। ये हमने देख लिया। बाकी हम नदियों को जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक शब्द आता है नाली, तो नाली किसे कहा जाता है? घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है नाली। ये भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाली क्या है। घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे नाली कहा जाता है। ये जो घग्गर नदी, इसे मृत नदी भी कहा जाता है। किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी तो अभी लुप्त हो चुकी है, वो तो नहीं है, लेकिन इसकी सहायक नदी क्या है? घग्गर नदी सरस्वती की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक से लेके हनुमानगढ़ के भटनेर तक, ठीक है। ये एक अंतः प्रवाह नदी है। अंतः प्रवाही नदी का क्या मतलब हुआ? कि ऐसी नदी जो कि किसी सागर में जाके नहीं गिरती, बीच में ही कहीं पे लुप्त हो जाती है या फिर किसी झील में गिर जाती है, ऐसी नदियां अंतः प्रवाही नदियां कहलाती हैं। तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला है इसमें मुख्यतः अंतः प्रवाही नदियां ही हैं। इसमें जो ज्यादा नदियां हैं वो क्या है? अंतः प्रवाही नदियां ही हैं। अब हम मरुस्थल की विशेषताएं देखते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल में हमने चार भाग देख लिए। पहला हमने देखा था लूणी बेसिन, जिसको कि गोडवाड़ बेसिन भी बोलते हैं। इसमें लवणीय पादप पाए जाते हैं, इसमें नेहड़ रन भी स्थित हैं। दूसरा हमने देखा था शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, इसमें हमने जोहड़ क्या होता है वो देख लिया, सरिया सरोवर क्या होता है, पीड़ क्या होता है और तोरावाटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि में जो इम्पोर्टेंट था वो है बांका या कुबड़ पट्टी। क्या था? नागौरी उच्च भूमि के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्लोराइड वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बांका या फिर कुबड़ पट्टी, जो कि मुख्यतः नागौर जिले में स्थित है, वो थोड़ा सा अजमेर में भी स्थित है। उसके बाद हमने देखा था घग्गर का मैदान, जहाँ पे की एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कि चिकनी और उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे काठी या फिर बग्गी कहा जाता है। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि काठी या फिर बग्गी क्या है। अब हम देखते हैं मरुस्थल की विशेषताएं, मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे हमने शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों देख लिए हैं। अब हम पूरे मरुस्थल की विशेषताएं देख लेते हैं। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ीन या पलाया झीलें क्या हैं। खड़ीन या पलाया झील क्या है? मरुस्थल में पानी की जो अस्थायी झीलें हैं वो क्या कहलाती हैं? खड़ीन या फिर पलाया झील कहलाती हैं। इसी से संबंधित एक शब्द आता है खड़ीन कृषि क्या है। तो इन झीलों के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? खड़ीन कृषि कहलाती है। इनके द्वारा मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होगी? जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये सब फसलें बोई जाती हैं। एक हमसे पूछा जाता है रन या टाट क्या है। तो मरुस्थल के अंदर दलदली, लवणीय और अनुपजाऊ भूमि है, उसे क्या कहा जाता है? रन या फिर टाट कहा जाता है। हमने लूणी बेसिन में भी देखा था एक नेहड़ रन था, जो कि मुख्यतः बाड़मेर जिले में स्थित है। अगर कुछ प्रमुख रन की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं? एक बाप और फलोदी रन है। सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है कि बाप या फलोदी रन कहाँ पे स्थित है। तो यह है जोधपुर में। भाकरी और पोकरण रन है जैसलमेर में। पोकरण से आप याद रख सकते हो, जैसलमेर में ही होगा। बाप से और फलोदी, ये दो जगह पड़ती हैं जोधपुर में। तो ये जो दोनों रन हैं ये हैं जोधपुर में। एक है थोब रन, ये है बाड़मेर में। एक चूरू में अगर देखें मुख्य मुख्य रन कौन से हैं? दाल छापर व परिहारी रन। तो ये चारों जो, ये तो हमने जो मुख्य मुख्य रन हैं उनके नाम देखे हैं। तो क्या क्या है? जोधपुर के अंदर है बाप व फलोदी रन, जैसलमेर में है भाकरी और पोकरण रन, चूरू की बात की जाए तो ताल छापर व परिहारी रन, और एक बच गया बाड़मेर में थोब रन। ये हैं मुख्य मुख्य रन। इसके अलावा भी बहुत सारे रन हैं मरुस्थल के अंदर। तो यह मुख्य मुख्य रन कौन से हैं वो हमने देख लिया। इतने तो आपको याद रखने ही हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बनती है जल पट्टी या फिर लाठी सीरीज।
हमारा जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां पे पानी नहीं पाया जाता। वहां पे पहले के टाइम पे सरस्वती नदी बहा करती थी, जहां से सरस्वती नदी बहती थी वहां कुछ जल के अवशेष मिले हैं, वही क्या कहलाई जल पट्टी या फिर लाठी सीरीज। ये राजस्थान की पहली जल पट्टी या लाठी सीरीज है। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये जल पट्टी या फिर इसको लाठी सीरीज? यहाँ पे पानी लगातार है इसलिए इसको एक सीरीज बोला गया है, ठीक है। ये है जैसलमेर के पोकरण से लेके जैसलमेर के मोहनगढ़ तक कुल 60 किलोमीटर में फैली हुई जल पट्टी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जल पट्टी या फिर लाठी सीरीज क्या है। तो ये क्या है? सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक जलीय अवशेष हैं, यानी कि जहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी वहां पे कुछ जल के अवशेष मिले हैं, ठीक है, तो वो कहलाए जलपट्टी या फिर लाठी सीरीज। उसी पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में एक दूसरी जलपट्टी भी, अभी लेटेस्ट एक दूसरी जलपट्टी मिली है जो कि बाड़मेर व जालोर वाले क्षेत्र में स्थित है। ये राजस्थान की क्या है? दूसरी जलपट्टी है जो कि नवीनतम जलपट्टी भी है। इस क्षेत्र में जो जलपट्टी वाला क्षेत्र है यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कि सेवन घास कहा जाता है, जिसे कि गोडावण पक्षी की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जलपट्टी क्या है या फिर इसका अन्य नाम आ सकता है कि लाठी सीरीज क्या है, कहाँ है, जैसलमेर के पोकरण से लेके मोहनगढ़ तक कितनी दूरी में, 60 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कि सेवन घास कहते हैं, जो कि जो गोडावण पक्षी है उसकी शरण स्थली भी बोला जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि गोडावण पक्षी की जो शरण स्थली है वो क्या है, तो सेवन घास। यहाँ पे एक प्रकार का नलकूप पाया जाता है जिसे कि चांदन नलकूप बोला जाता है। इसी चांदन नलकूप के पास में ये सेवन घास पाई जाती है। इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हमने देख लिया कि यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में एक लेटेस्ट वॉटर बेल्ट यानी कि जलपट्टी जिसे वॉटर बेल्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है, ये क्या है? जीवाश्म उद्यान है। कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में, वहां पे स्थित है। तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के मरु उद्यान में। सीधा सीधा या तो जैसलमेर बोलेगा, जैसलमेर पूछेगा, या फिर जैसलमेर के मरु उद्यान में। ये एक जीवाश्म उद्यान है। अगर आकलवुड फॉसिल पार्क के निर्माण काल की बात की जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण है जुरासिक काल में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पूरे विश्व में लकड़ी के जो प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं वो इसी आकलवुड फॉसिल पार्क में मिले। तो ये केवल राजस्थान के नहीं है, केवल भारत के नहीं है, पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे मिले हैं, जो जैसलमेर में स्थित जो आकलवुड फॉसिल पार्क है यहाँ पे मिले हैं। एक होता है नकली स्थान या फिर मरु उद्यान, ये सारी चीजें मरुस्थल से संबंधित हैं। नकली स्थान क्या है? पानी या फिर जल बेसिन के चारों ओर जो वनस्पति पाई जाती है। मान लो कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, अब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया तो इसके चारों ओर कुछ कुछ वनस्पतियां विकसित हो जाती हैं, इसके चारों ओर वनस्पति विकसित हो जाती है। अगर कहीं आपने देखा होगा कहीं पे अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो थोड़े टाइम बाद उसके चारों ओर वनस्पति विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नखली स्थान कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मरु उद्यान भी बोलते हैं। पानी या फिर जल बेसिन इसके चारों ओर पाई जाने वाली जो वनस्पति है इसी को हम क्या बोलते हैं? नखली स्थान या फिर मरु उद्यान कहा जाता है। एक हमसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि बालसन क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पहाड़ियों के बीच में जो झील स्थित होती है वो क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जो सांबर झील है वो इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? बालसन का उदाहरण है। अगर पहाड़ियाँ स्थित हैं और पहाड़ियों के बीच में अगर कोई झील है, और मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच में अगर कोई झील स्थित है तो वो क्या कहलाती है? बालसन। बालसन के उदाहरण की अगर बात की जाए तो वो है सांबर झील। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सांबर झील है वो किसका उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है बालसन है वो सांबर झील का उदाहरण है, ठीक है। पीवणा क्या है? तो यहाँ पे सांप की एक प्रजाति है, जैसलमेर में पाई जाती है ये वाली प्रजाति, और ये पीले रंग की होती है। तो सांप की एक प्रजाति है जिसे कि पीवणा बोला जाता है, जैसलमेर वाले भाग में ये पाई जाती है, और यहाँ पे ये पीले रंग का, इस अगर पीवणा प्रजाति का जो सांप है
इसकी कलर की अगर बात की जाए तो ये पीले रंग का सांप होता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि मरुस्थल का मार्च क्या है या फिर मरुस्थलीकरण क्या है। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना, यानी कि अगर देखो अगर पहले मरुस्थल यहाँ से है तो थोड़ा 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 मरुस्थल क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मरुस्थल का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। अब कैसे हो रहा है मरुस्थलीकरण, हमने देखा है कि जो अरावली वाला भाग है जो कि मरुस्थल के पूर्व में स्थित है वहाँ पे खूब खनन हो रहा है, अवैध तरीके से भी खनन हो रहा है और कुछ वैध तरीके से भी खनन हो रहा है। लेकिन अरावली के खनन के कारण अरावली का तो क्या हो रहा है, क्षेत्र कम हो रहा है और जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना यही क्या कहलाया, मरुस्थलीकरण। तो अरावली के खनन से क्या हो रहा है, मरुस्थल वाला जो भाग है वो तो बढ़ता जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मरुस्थलीकरण। किस दिशा में हो रहा है मरुस्थलीकरण, ये हो रहा है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर, इस दिशा में मरुस्थलीकरण हो रहा है हरियाणा की तरफ। यहाँ पे हमारे राजस्थान के इस दिशा में कौन सा लगता है, हरियाणा राज्य लगता है। तो जो मरुस्थलीकरण की दिशा आपसे पूछी जा सकती है ये है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। अगर सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो ये कहाँ हो रहा है, हरियाणा की ओर सर्वाधिक विस्तार हो रहा है। और विस्तार में मरुस्थलीकरण के विस्तार में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो है बरखान वालुका स्तूप का। हमने देखा था कि जो बरखान है वो सबसे ज्यादा कहाँ बन रहे थे, शेखावाटी में बन रहे थे, और शेखावाटी में भी जो चूरू जिला है वहाँ पे सबसे ज्यादा बरखान बन रहे थे। तो उत्तर वाली साइड में बन रहे हैं, उत्तर पूर्व दिशा में लगभग है जो बरखान ज्यादा बनते हैं, इसी कारण दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थलीकरण हो रहा है और सबसे ज्यादा जो है वो हरियाणा की ओर हो रहा है। मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान है बरखान का। अगर थार के विस्तार की बात की जाए कि हमारा जो थार का मरुस्थल है इसका कितना विस्तार है वो भारत में है और कितना विस्तार है वो पाकिस्तान में, तो थार के मरुस्थल का कुल मरुस्थल का 85% जो भाग है वो तो भारत में स्थित है और जो थार के मरुस्थल का 15% भाग है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अगर बात की जाए कि 85% में से राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार है वो कितना है, तो लगभग 62% जो विस्तार है वो राजस्थान में है। इसरो ने एक मानचित्र जारी किया था उसके अनुसार अगर हम देखें 67% बताया गया है। हमारे जो डेटा हैं पुराने डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें 62% बताया गया है। इसरो ने हाल ही में एक मानचित्र जारी किया है उसमें थार के मरुस्थल का राजस्थान में जो विस्तार है वो 67% बताया है। और कहाँ कहाँ पे है थार के मरुस्थल का विस्तार, सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में, गुजरात में भी इसका थोड़ा विस्तार है, हरियाणा में भी विस्तार है और पंजाब में भी इसका विस्तार है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्णतः रेगिस्तानी जिले कौन कौन से हैं, तो पूर्णतः रेगिस्तानी जिलों में शामिल है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़। ये वाले जो जिले हैं वो लगभग शुष्क मरुस्थल वाले भाग में स्थित हैं, इसलिए यहाँ पे इनको पूर्णतः रेगिस्तानी जिले बोला गया है। दूसरा है आंशिक रेगिस्तानी जिले, इसमें वो वाले जिले शामिल हो जाएंगे जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले भाग में स्थित होंगे। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, जो आंशिक रेगिस्तानी जिले हैं उनमें पाली जिला हो गया, जालोर जिला हो गया, नागौर हो गया, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इनको आंशिक रेगिस्तानी जिले क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। ये वाले जो जिले हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अरावली भौतिक प्रदेश के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही देखने वाले हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अरावली भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।